नमस्कार। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार 23 मार्च सुबह ये जानकारी द स्पेक्टेटर इंडेक्स नाम की मीडिया कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। इस आतंकी हमले में करीब 145 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईसिस ने ली और दावा किया कि उसके लड़ाकों ने ईसाइयों की भारी भीड़ पर हमला किया था। आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट्स इन इराक एंड सीरिया, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन भी माना जाता है, ये कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। ये आतंकी हमला तब हुआ जब रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में कई लोग कॉन्सर्ट के लिए आए हुए थे। अटैक के वक्त 5 लोगों ने ओपन फायरिंग की और बम भी फेंके। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस अफरा तफरी के माहौल में भी कई लोग घायल हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले के वक्त और उसके बाद के कई वीडियोस भी सामने आए, जिनमें अटैक के बाद कॉन्सर्ट हॉल की बिल्डिंग आग की जोरदार लपटों में धू-धू कर जलती भी दिखी। ये वही कॉन्सर्ट हॉल है जहां मिस वर्ल्ड जैसे बड़े बड़े आयोजन होते आए हैं। रशियन न्यूज एजेंसी के अनुसार जिस हॉल में हमला हुआ उसकी क्षमता कुल 6,000 लोगों की है। बता दें कि इस हमले के 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले की आशंका जताते हुए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेस्ट हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है। Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. बता दें, पिछले कई दिनों से यूके और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने रूस को चेताया था कि मॉस्को पर एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।